हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी टीईटी सीटीईटी केवीएस एनवीएस या किसी भी शिक्षक भर्ती की जानकारी जो भी मिलती है सबसे पहले आपके अपने चैनल कंपटीशन न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टीईटी 2019 की आंसर की में लगने वाले ऑब्जेक्शन के विषय में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी टीईटी में जो ऑब्जेक्शन लगने की दोस्तों जो लास्ट डेट है, ऑब्जेक्शन करने की लास्ट डेट दोस्तों है 17 तारीख यानी कि 17 जनवरी तक दोस्तों आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इस बार के ऑब्जेक्शन में दोस्तों ये खास बात है कि आपको पर क्वेश्चन के लिए 500 रुपये की फीस यहाँ पर देनी होगी। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही पाया गया तो दोस्तों आपके 500 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, नहीं तो दोस्तों आपके 500 रुपये की जो धनराशि है दोस्तों जब्त कर ली जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोगों की मुश्किलों का हल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जिनमें 100% दोस्तों गारंटी है कि नंबर यहाँ पे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी यूपी बोर्ड और प्रमाणिक पुस्तकों के जो पक्के सबूत के साथ ऐसे क्वेश्चन की सीरीज दोस्तों प्रस्तुत कर रहे हैं जिनसे आप लोगों के नंबर बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक दोस्तों देखिए, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। कुछ बच्चे यहां पे पूछ रहे हैं कि जो यहां पे ऑब्जेक्शन करेगा उसी के नंबर बढ़ेंगे या फिर सबके नंबर बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ऑब्जेक्शन करेगा अगर उसका क्वेश्चन सही पाया गया कि जो उसका ऑब्जेक्शन है सही पाया गया दोस्तों, तो उसके नंबर तो बढ़ेंगे ही, साथ में पूरी आंसर की चेंज हो जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर कुछ भी आंसर में कुछ भी परिवर्तन होता है तो सभी बच्चों को नंबर मिलने वाले हैं। तो जो ऑब्जेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन पर दोस्तों ऑब्जेक्शन ज़रूर कर देगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों के भी 2-4 नंबर कम हो रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चन जिनसे आप लोगों का पूरा भ्रम दूर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 126वां क्वेश्चन पूरा दोस्तों यूपी बोर्ड में जो दोस्तों किताबें चल रही हैं उन्हीं से हम बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी जो भी हमें सबूत मिले दोस्तों सब कुछ आपके सामने रखने वाला हूँ। एक नया क्वेश्चन यहाँ पे मिला है दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर महेश सिंह ने दोस्तों हमें ये पूरा का पूरा जवाब भेजा, जो इसका सबूत दोस्तों जो यूपी बोर्ड की किताबें उन्होंने भेजा है। तो हम उनका दोस्तों अपने चैनल की तरफ से दोस्तों धन्यवाद करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है पूरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है, गर्म प्रदेश, मानसून, टैगा और टुंड्रा। दोस्तों यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं यूपी बोर्ड की दोस्तों जो किताबें चल रही हैं दोस्तों उसमें टैगा और टुंड्रा दोनों माना गया है। तो चलिए दोस्तों सबूत के साथ में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 7 की दोस्तों ये बुक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2019-20 यानी कि दोस्तों इसी सेशन के लिए ये बुक थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक चैप्टर जहाँ पे लिखा है टैगा प्रदेश, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों पेज नंबर 72, और पेज नंबर 72 पे टैगा प्रदेश के बारे में दोस्तों बताया जा रहा है, इसकी मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है और इसके जीव जंतु के बारे में बताया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 72 और पेज नंबर 273 यहाँ कहीं है, यहाँ पे है पेज नंबर 73। अब देख लेते हैं दोस्तों 74 पेज पे क्या दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अगर मैं बात करूँ कि पेज नंबर दोस्तों ये 74 है, और 74 की दोस्तों जो यूपी बोर्ड की किताब चल रही है क्लास 7th की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेंडियर यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों टैगा प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें केवल टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर माना गया है। तो दोस्तों जो बच्चे यहाँ पे टैगा प्रदेश लगा के आए हैं दोस्तों, तो उन्हें ये वाला प्रूफ जरूर यहाँ पे जो है सबमिट करना चाहिए पीएनपी को, क्योंकि दोस्तों साफ साफ यहाँ पे दे रखा है कि जो टैगा प्रदेश है उसमें भी रेंडियर पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ पे हुआ, और दोस्तों ये जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों उसमें साफ साफ दिया है कि प्रथम प्रयोग, यानी कि दोस्तों प्रथम प्रयोग का मतलब 356 अनुच्छेद का प्रथम प्रयोग यहाँ पे पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रथम प्रयोग कहाँ सबसे पहले हुआ। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आता कि निम्न में से सर्वप्रथम कहाँ हुआ तो दोस्तों बेशक यहाँ पे केरल हो जाता, लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे पूछा गया प्रथम प्रयोग कब हुआ था तो दोस्तों प्रथम प्रयोग 356 अनुच्छेद का दोस्तों पंजाब में ही हुआ है। इसका मैं सबूत भी आपको दिखा देता हूं। दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं एम लक्ष्मीकांत का बुक का पेज नंबर है दोस्तों 16.7, 16.7 पेज नंबर है, और दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 356 का प्रयोग सर्वप्रथम पंजाब राज्य में किया गया। तो यहां पे दोस्तों आप ये वाली जो लाइन है उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि अनुच्छेद यानी कि दोस्तों सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया। अब तक लगभग सभी राज्यों में एक अथवा दो अथवा इससे अधिक बार इसका प्रयोग हो चुका है।
इस संबंध में ब्यौरा इस पार्ट के अंत में तालिका में इतने में दिया हुआ है। तो दोस्तों मेन चीज़ आपकी यही है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो दोस्तों इसका आंसर पंजाब है, ना कि केरल। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये जो आप लोगों को पूरा पूरा नंबर दिलवाएगा, दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सी सीरीज का हिंदी साहित्य सम्मेलन काशीनागरी प्रचारणी सभा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1936 में हुई थी, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में ये था नहीं, तो इसमें आप लोगों को पूरा पूरा एक नंबर मिलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसका प्रूफ देख लेते हैं। दोस्तों इसका प्रूफ आप लोगों को मिलेगा लूसेंट की हिंदी की किताब में पेज नंबर 7 पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों दिखा देता हूँ कहाँ पे ये दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना वर्धा में 1936 में हुई थी। तो यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को एक नंबर दिलवा सकता है। यानी कि दोस्तों अब तक कुल 3 नंबर ऐसे हो गए जिन पर आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं बिल्कुल सबूत के साथ। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका दे देता हूँ। अगर आपके पास दोस्तों लूसेंट की किताब नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पर भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ आपको बुक का नाम और पेज नंबर यहाँ पर रिमार्क में दोस्तों लिखना है। जब भी आप पीएनपी को कोई भी ऑब्जेक्शन किसी भी क्वेश्चन पे अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आपको रिमार्क में बुक का नाम और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को लिखना है जो भी पेज नंबर है किताब का। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, और दोस्तों इसमें पीएनपी के द्वारा बताया गया था कि संतान पुल्लिंग है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स की परीक्षा है दोस्तों, और इसमें से पूछा गया स्त्रीलिंग नहीं है, और स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों बुलबुल। और यहाँ पे यानी कि दोस्तों ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे बुलबुल माना गया है स्त्रीलिंग नहीं है, तो यानी कि दोस्तों स्त्रीलिंग ये नहीं है तो क्या होगा दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संतान यहाँ पे स्त्रीलिंग ही है जो यहाँ पे पीएनपी के द्वारा दोस्तों माना गया है कि संतान पुल्लिंग है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ संतान जो है स्त्रीलिंग का बोध कराता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संतान सवारी बुलबुल और गंगा स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ये किस देश में लचीला संविधान लागू है, तो यहाँ पे अमेरिका यूनाइटेड किंगडम भारत और चाइना यहाँ पे दिया है। लेकिन दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ही होगा, क्योंकि दोस्तों कई ऑथेंटिक बुक में यहाँ पे लिखा है कि जो यूनाइटेड किंगडम का दोस्तों संविधान है वो लचीला संविधान है। भारत के संविधान को दोस्तों यहाँ पे लचीला और कठोर की बीच की कड़ी माना गया, यानी कि दोस्तों भारत के संविधान लचीला के साथ साथ दोस्तों कठोर भी है। तो आप इस वाले क्वेश्चन पे दोस्तों बिल्कुल भी आपत्ति मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस पे आपत्ति की तो पैसा वापस नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इसका आंसर जो है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम है। एनसीईआरटी में तो फिलहाल दोस्तों दे रखा है कि भारत में, दिखा देता हूँ दोस्तों आपको एनसीईआरटी में क्या दिया है, तो आपके विवेक के ऊपर है दोस्तों कि आप इसे चैलेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पेज नंबर 199 एनसीईआरटी का यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं संविधान एक जीवन दस्तावेज, और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को पहले भी दोस्तों बताया था कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसलिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा गया है, यानी कि उसे पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ इतना लचीला भी बनाया गया है कि उसमें आवश्यकता पड़ने के अनुरूप यथोचित बदलाव किए जा सकें। दूसरे शब्दों में हमारा संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय संविधान नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी में तो लिखा है कि यहाँ पे जो भारत का संविधान लचीला है, लेकिन दोस्तों मैं अब आपको दूसरा प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसका प्रूफ हमें मिलेगा भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत में, और दोस्तों अगर आप इस बुक के पेज नंबर 3.2 पे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भारत के संविधान के बारे में क्या बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं भारत का संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। तो दोस्तों इससे ये प्रूफ हो जाता है कि भारत के संविधान को यहाँ पे ना तो लचीला माना जाता है ना ही यहाँ पे कठोर माना जाता है। लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे कर रही है कि यहाँ पे भारत के संविधान को उसने लचीला माना है, और जो दोस्तों ये वाली बुक है इसमें दोस्तों लचीला और कठोर दोनों माना गया है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे भी उठता है क्वेश्चन नंबर 135, और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं नगर निगम में कौन सा कर लगाया जाता है। तो दोस्तों किसी किसी में उपयुक्त सभी यहाँ पे फोर्थ नंबर में दिया है, किसी किसी में तीसरे नंबर पे, किसी किसी में दूसरे नंबर पे, और किसी सीरीज़ में पहले नंबर पे। तो दोस्तों वो बच्चे अगर यहाँ पे ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे पहले नंबर पे उपयुक्त सभी
दिया हुआ है, उपरोक्त सभी दिया है, तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उपरोक्त सभी का मतलब होता है कि सभी विकल्प, लेकिन जब आपने दूसरे नंबर पे दे दिया तो यानी कि आप इसी को इंडिकेट कर रहे हो, पहले विकल्प को इंडिकेट कर रहे हो। तो जिन बच्चों को मैं दोस्तों यहाँ पे विकल्प जो है दूसरे पे उपरोक्त सभी दिया है तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप इतने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कोई और भी क्वेश्चन मेरे से रह गया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के आप लोगों के पैसे बच सकें। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी दोस्तों में 3-4 दोस्त मिलके यहाँ पे एक क्वेश्चन पे कम ऑब्जेक्शन कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पैसे सेव हो सकें। नंबर ऑफ दोस्तों नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में एक भी ऑब्जेक्शन आता है तो दोस्तों वो यहाँ पे विषय विशेषज्ञ के पास में पहुँचेगा और वहाँ पे देखा जाएगा कि वो क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। तो बहुत सारे दोस्त मिलके दोस्तों एक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फीस बहुत ही ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।